ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਰਿਗਵੇਦ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਤਨੇਨ ਜਨਮਨਾ ਗਿਰਹ ਸ਼ੁਭਾਮਿ ਕਣਵਵਤ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮੋਂ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਹੇ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਦ ਮੰਤਰੋਂ ਸੇ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕਾ ਗਾਇਨ ਕੀਆ ਹੋਗਾ ਵੋ ਹੀ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਿਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਲੀਏ ਇਸ ਜਨਮ ਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਦ ਰਿਚਾਓਂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਮ ਗਾਨ ਗਾਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਇਸ ਸਤੁਤੀ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਤਰ 53 ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਮਨਹ ਸਵਚਿੱਤੇਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਉਸ ਜੋਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਹਮਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਆਦਿਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸਤੁਤੀ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਸੰਕਲਪੋਂ ਕਾ ਕੇਂਦਰ ਜੀਵ ਕੀ ਸੱਤਾ ਉਸ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਜੋਤਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਬਰਫ ਕਾ ਟੁਕੜਾ ਗਲਤੇ 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 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੇਦ ਔਰ ਤੰਤਰ ਵੇਦ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਅੰਗ ਹੈ ਵੇਦ ਕੋ ਹਮੇਂ ਕੇਵਲ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਗਿਆਨ ਕੋ ਹਮ ਵੇਦ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਖੇ ਆਤਮਾਏ ਉਸ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਤਰਫ ਕੋ ਚਲਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਔਰ ਸਵਭਾਵ ਕੀ ਬੁਰਾਈਓ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਣੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬ ਉਸ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਤੁਤੀ ਮੇਂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਵੇਦ ਮਾਰਗ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸਤੁਤੀ ਚਾਹੇ ਉਸਕਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਯਾ ਓਮ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮਃ ਹੇ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਝਕੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਝਕੋ ਨਮਨ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਹੁਆ ਹੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੂੰ ਪ੍ਰਣਵਤ ਹੂੰ ਪ੍ਰਣੀਪਾਤ
तुझ में समर्पित हूँ, अर्पित हूँ। ये है वेद स्तुति। और तंत्र, तंत्र है अपने भीतर उस परम ब्रह्म को देखना। तंत्र यानी एक सिस्टम। ऐसे होके बैठिए, हाथों को ऐसे कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, मस्तक में जो ज्योति है ब्रह्म अग्नि, सांस के द्वारा उसको प्रखर करते रहिए, प्रखर करते रहिए। यह है तंत्र। तंत्र यानी साधना का एक उपाय, तरीका। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, वेद और तंत्र। वेद को जानना आवश्यक है, यम नियम और उसकी साधना, ये वेद है। परम ब्रह्म की स्तुति और आराधना, ये वेद है। और तंत्र है, मान लीजिए हमारे पास एक सितार है, उस सितार को हम यंत्र कहेंगे, और उसमें तार लगे हुए हैं, उन तारों को जब झनकार उनमें हम उठाते हैं तो वो तंत्रिका स्वर आंदोलनों से आंदोलित होती है। उस सितार को एक बच्चे के हाथ में दे दीजिए, वो जानता नहीं है कैसे बजेगा। ऐसे तार को आघात करेगा और उससे टन टुन ऐसी आवाज आएगी। बांसुरी किसी के हाथ में दे दीजिए, बच्चे के या किसी बूढ़े के या किसी नवयुवक के, जो जानता नहीं, जिसने बांसुरी को बजाने की शिक्षा ग्रहण नहीं की, जिसने सितार को बजाने की शिक्षा, तालीम, तरीका प्राप्त नहीं किया, वो उस तंत्र को जान नहीं सकता। इस बांसुरी का क्या तंत्र है, क्या तरीका है? इस सितार का, इस वीणा का क्या तरीका है, क्या तंत्र है? ऐसे ही ये हमारा शरीर, देह, ये देह वीणा कहलाती है, देह तंत्र कहलाता है। ये शरीर जो पांच तत्वों से मिलके बना है, और इन तत्वों के अतिरिक्त इनमें ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, प्रेम और घृणा, राग और बैराग, ईर्ष्या और द्वेष, ये सब आते जाते रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब आता जाता रहता है। सतोगुण में जब स्थित हैं तो मन बड़ा शांत है, परमात्मा में लगा है। रजोगुण की अधिकता जब जिस समय होती है, सभी के भीतर होती है, मन भोग विलास, काम उपभोग, सुख ऐश्वर्य, इनकी तरफ को संचालित रहता है। और जब तमस कभी उभरता है, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शांति भंग हो जाती है, कई कई दिनों तक मन अशांत और परेशान बना रहता है, ये तमस। ऐसी ये देह वीणा है। इस शरीर को ही हम तंत्री बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं।
इस गात्र वीणा पर, गात्र गात गात माने शरीर, गात्र वीणा पर उस परम ब्रह्म के राग को देवगण रात दिन बजाते रहते हैं। इसके भीतर उस परम सत्ता की तरंगों को, आंदोलनों को, उसके रागों को महसूस करते रहते हैं। बांसुरी बजाने में जो प्रवीण है, कृष्ण महाराज जैसा कोई व्यक्ति, उनके हाथ में बांसुरी दे दो, वाह, ये राग अहीर भैरव के स्वर हैं, ये सारंग राग के स्वर हैं, तरह तरह के राग, तरह तरह के राग जरा सी बांसुरी पर वो बजाते रहेंगे। और ऐसे ही वीणा देवी सरस्वती के हाथ में दे दो, जरा सी झनकार उठेगी, तीनों लोक गुंजार जाएंगे, आंदोलित हो जाएंगे। रुद्र वीणा जिसके निर्माता है रुद्र शिव, भगवान शिव, उनके हाथ में वो वीणा दे दीजिए, वाह वाह, ऐसे स्वर ऐसा राग उत्पन्न होगा, तीनों लोक उस पर नृत्य करने लगेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्य अदृश्य सत्ताएं थिरक उठेंगे, नृत्य करने लगेंगे। तो ये क्या तंत्र है उस वीणा को शिव बजा रहे हैं, देवी सरस्वती बजा रही हैं, और एक ना समझ के सामने रख दो, वो तो ऐसे ही बड़बड़ करेगा। ऐसे ही साधना, ये गात्र वीणा, इस पर हमें ब्रह्म राग बजाना होता है, और सांसारिक राग तो इस पे बजते ही रहते हैं। क्या राग लेके बैठ गया भाई तू, बंद कर, छोड़, बुद्धि खराब ना कर, ये राग बंद कर, ऐसे कहते हैं। ये क्या तूने ढेंकरे पूर दिए, ढेंकरे एक शब्द है हमारे गांव में, क्या ढेंकरे पूर रहे हो, यानी बेसुरा, जिसको सुन के सिर में दर्द होने लगे, ढेंकरे बेसुरापन, जीवन में बेसुरापन, वाणी में बेसुरापन, चिंतन में बेसुरापन, व्यवहार में बेसुरापन, और परमेश्वर की तरफ को जाने वाला एक साधक, उस प्रभु के प्रेम में निमग्न व्यक्ति, इस देह की वीणा को बजाता है उस परमात्मा के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन, उनके राज गायक थे, गवैये, दरबारी संगीतकार थे उनके, और बड़ा अच्छा गाते थे। तन्ना मिश्र, उनका वास्तविक नाम तन्ना मिश्र था, अकबर ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी थी। उनके गुरु थे स्वामी हरिदास, वृंदावन में जिनका स्थान बना हुआ है, निज बन जिसको कहते हैं,
अकबर ने कहा, तानसेन इस समय में क्या तुमसे भी अच्छा कोई गाने वाला व्यक्ति है? तानसेन ने कहा, मेरे गुरु महाराज स्वामी हरिदास। बोले, उनको दरबार में बुलाओ, हम उनको सुनना चाहते हैं। बोले, छोड़ो, वे किसी के दरबार में नहीं गाते, वे तो बस उस मधुमान पुरुष परमात्मा के लिए गाते हैं, उसके कर्षण में आकर्षण में खिंचे रहते हैं, परमात्मा के प्रेम के आकर्षण में। इस आकर्षण से ही उस निराकार को कर्षण भी कहते हैं, कर्षण खींचने वाला। उन्हीं के नाम पे कृष्ण महाराज का नाम पड़ा, किशन कर्षण कृष्ण। परमात्मा की हम बात करते हैं, निराकार। अकबर के मन में उनका संगीत सुनने के लिए जिज्ञासा बढ़ती चली गई। कहा, तो चलो हम उनके आश्रम में चलते हैं। तानसेन ने कहा, जब वो देखेंगे ये बादशाह आया है तो पता नहीं गाएं या ना गाएं, भेष बदल के चलो। साधारण व्यक्ति बन के, भक्त बन के, चंदन का तिलक लगा के, कंठी माला गले में डाल के, जप माला हाथ में लेके, उन्हें ये लगे ये परमात्मा के भक्त हैं, साधु हैं, तो हो सकता है प्रसन्न हो के वो उस प्रभु की स्तुति गाएं और हम सुन लें। अकबर ने कहा, ठीक है चलो। और कई दिन तक वहां रहेंगे, हो सकता है वो प्रतिदिन प्रातः काल में गाते हों, यदि नहीं भी गाएंगे किसी दिन, जब तक गाएंगे नहीं सुनने बिना आएंगे नहीं। बोले, ठीक है चलो। और वहां जाके तन्ना मिश्र ने, तानसेन ने उनके पवित्र चरणों में प्रणाम किया। उसी तरह से अकबर ने भी प्रणाम किया। और स्वामी हरिदास ने कहा, तानसेन तन्ना, तुम्हारा संगीत साधना कैसी चल रही है? कहा, गुरुदेव प्रतिदिन गाता हूं, लेकिन मेरे गाने में आपके गाने में बहुत अंतर है। मैं दिल्ली के बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूं, आप दुनिया के बादशाह परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। स्वामी हरिदास ने कहा, अच्छा सुनाओ, चलो कुछ सुनाओ, गाओ। तानपुरा छेड़ दिया, रे दयानानु, रे स्वामी हरिदास ने गा तो ठीक रहे हो, पर राग को बिगाड़ दिया। ऐसे नहीं है ये, गुरु महाराज बताइए कैसे गाऊं? सुनो, रे ना री
रे ना। गामरे सा ये है स्वर, और वो गाते रहे अकबर की आंखों से आंसू बह रहे। स्वरों का इतना प्रभाव होता है। सच्चे स्वर अहीर भैरव राग, प्रातः काल हो रहा है, स्वामी हरिदास के नेत्र बंद हैं और वो गा रहे हैं। करुणा निदान आदि पुरुष परमात्मा, गा रहे हैं। और जब गायन समाप्त हुआ, अकबर की तरफ देखा, आंसू आंखों से आंसू, आनंद के आंसू। हे प्रभु, हे जगत के सृजनहार, मैं भी इसी तरह से तुम्हारी स्तुति कर पाता, आराधना कर पाता, पर मैं तो संसार के गंध में हाथ दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं। स्वामी हरिदास ने देखा उनकी तरफ, अकबर नतमस्तक हैं। उठो बादशाह, अकबर मैंने पहली ही दृष्टि में तुमको पहचान लिया था, तुम दिल्ली के सम्राट हो। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी ईश्वर भक्ति, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के सेवकों के लिए, संतों के लिए जो श्रद्धा है, तुम धन्य हो। परमात्मा के लिए जब हमारा समर्पण होता है तो हमारा मन उस विराट चेतना में प्रविष्ट हो जाता है। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, हे प्रभु, हे ज्योति पुरुष, हे परमात्मा, पिछले जन्मों में वेद मंत्रों से मैंने तुम्हारी स्तुति गाई होगी, वही अभ्यास, वे ही तरंगे मेरी आत्मा में बार बार आके टकराती हैं। और शिव कह रहे हैं, शिव भी वेद ऋचाओं का गायन किया करते थे। प्राचीन जो शिव पुराण है उसको आप देखें, संस्कृत में है। प्रतिदिन साम वेद की ऋचाओं को वो गाते थे, भगवान शिव। संसार में हीरे रतन संपदाएं, शहद जैसे मित्र प्रिय, काल के प्रभाव से एक दिन मट्टी और दुख स्वरूप हो जाते हैं। देव पुरुषों के चरणों में बैठकर उनके मुख से निकले अमृत वचन, दिव्य वचन, उनका सत्संग,
हमारी आत्मा में शाश्वत शांति की स्थापना करता है। वो शाश्वत तत्व कभी समाप्त नहीं होता, वो अविनाशी है। संसार के कलह कलेश में हम कितने ही डूब जाएं, लेकिन जब हमारा ध्यान उस उत्तर पथ में उच्चता, उस मार्ग में जिस मार्ग से ऋषिगण देवगण उस परम ब्रह्म की तरफ को उड़ान भरते हैं, सुनहरा हंस बन के आत्मा के द्वारा, स्तुति के द्वारा, उस मार्ग में पहुंच के उनके प्रकाश की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो हमारा जीव हंस भी सुनहरा हो जाता है। शिव कह रहे हैं, मनः स्वचित्तेन प्रविशेत, स्व अपने स्वरूप में ये मन प्रवेश कर जाता है। अपना स्वरूप क्या है? सो अहम अस्मि, वो विराट पुरुष ही मैं हूं, वो हिरण्य गर्भ आदित्य सूर्य उस सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। हे पूजन, हे रित, हे परम ब्रह्म, इस सुनहरे पात्र को तू हटा दे, इन किरणों के तेज को कम कर दे, जिससे मैं तेरे वास्तविक स्वरूप को देख सकूं। अपनी आत्मा की खोज में लगा हुआ मैं सत्य धर्मा व्यक्ति तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू मेरे लिए आत्मा के इस रहस्य को, परम ब्रह्म परमात्मा के इस रहस्य को उघाड़ दे, जिससे मैं तेरे अनंत में, तेरे अनंत ज्योति स्वरूप में प्रवेश कर सकूं। स ज्योति श्याम ज्योति ही, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वरः, वो ही परमेश्वर परम ब्रह्म है। स एव ही परम ब्रह्म, उसको ही परम ब्रह्म कहा जाता है। तद ब्रह्मा हम न संशयः, वो ब्रह्म मैं ही हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं, शंका नहीं। और जब तक शंका है, तब तक अज्ञान ने हमारी आत्मा को ढक रखा है। बादल ने सूर्य को ढक रखा है। अपने परमात्मा की तरफ को मुंह कर संसार की व्याकुलताएं तो अंतिम सांस तक लगी रहेंगी, इनसे छुटकारा न किसी का हुआ है न किसी का होगा। मन तो हमेशा इस रंग बिरंगी प्रकृति में मोहित और कभी दुखित हुआ रहता है। जिनके लिए मोह है, जिनसे हमारा प्रेम है, उन्हीं से हमें दारुण दुख की प्राप्ति होती है। केवल एक ऐसा प्रेम है जिससे दुख नहीं मिलता, वो परमात्मा का प्रेम, सतगुरु के चरणों का प्रेम ऐसा है। बाकी संसार में जितने लगाव, जितनी प्रीत, जितने आकर्षण हैं, उनसे दारुण
दुख की प्राप्ति होती है और इस दुख से किसी भी तरह से छुटकारा होता नहीं। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की ओ अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। इन कांटों के बदले फूल उससे ले ले। इन कांटों के बदले में फूल उससे ले ले। हमारे भीतर सैकड़ों कांटे उगे रहते हैं, वे हमें अपनी आंख से नहीं देखते, जो हमारे विरोधी होते हैं, जो हमारी बुराई निकालने वाले होते हैं, उनको परमात्मा ने सत्य दृष्टि प्रदान की है। वे बताते हैं ये बड़े कुटिल हैं, ये बड़े मक्कार हैं, ये बड़ा झूठ बोलते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इन पे विश्वास मत करना। निंदकों को परमात्मा ने सत्य दृष्टि प्रदान की है, वे हमारी आत्मा का निर्मलीकरण करते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी कमी को दूर कर लेना चाहिए। इन कांटों के बदले में फूल उससे ले ले। इन कांटों के बदले में फूल उससे ले ले। अपनी मिट्टी दे दे और उसका मोती ले ले। अपनी मिट्टी दे दे और उसका मोती ले ले।
अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदम पे सर रख दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। भगवान बुद्ध को अपने बहुत से पिछले जन्मों का स्मरण था, याद थे। हमारी संगत में भी इस तरह के हैं जिनको अपने पिछले जन्मों की याद है, पर ऐसा होता है जो जिंदे हैं उनकी बातों पे कोई यकीन करे ना करे, जो मर गए चले गए वे तो उनकी बातों पे विश्वास एकदम कर लेते हैं। हो सकता है बुद्ध ने जब लोगों से अपने जन्म बताए हो तो कुछ ने यकीन ना किया हो, कहते रहे हो अजी हाँ ये तो बेकार की बात, नए से नए किस्से बना के सुना रहे हैं, कोई बात भी है। खैर, भगवान बुद्ध अपने एक पिछले जन्म में शत्रुजीत नाम के राजा थे। अपनी पत्नी के प्रेम में ऐसे आसक्त, इतने मोह से ग्रसित थे, राज्य का कोई काम धाम देखते नहीं थे। पत्नी को कविताएं लिख लिख के सुनाते रहते बस, जैसे राजा बढ़तरी थे। स्त्री में घोर आसक्ति विनाश का कारण बनती है, धन में घोर आसक्ति विनाश का कारण बनती है। किसी में भी घोर आसक्ति का होना मनुष्य का विनाश करता है। राजमहल में पड़े रहते, देखते ही नहीं प्रजा में हो क्या रहा है। लोग उनसे तंग आ गए, मंत्रियों ने राजपुरुषों ने सलाह की और एक रात्रि में राजा शत्रुजीत और उनकी रानी पलंग पे सोए हुए थे और पलंग को उठा के बहुत दूर ले गए, राज्य से बाहर किसी बियाबान जंगल में ले जाके उसको रख दिया, लौट के आ गए। इस राजा से पीछा छूटा, सुबह को आंख खुली राजा और रानी की, देखा यहां कहां बनों में हम क्या करें। थोड़ी ही देर में समझ गए हमारे प्रजाजन हमसे दुखी, इस कारण हमारी ये दुर्गति हुई, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का धर्म का पालन नहीं किया। वे दोनों चलने लगे, चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए जहां रेत ही रेत था, पानी कहीं नहीं था। प्यास के कारण रानी का सिर चकराने लगा, मैं तो मरी, कहीं पेड़ भी नहीं है दूर तक के उसके बीच,
कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ। राजा शत्रुजीत ने क्या किया, अपनी जंघा को चीरा और कहा लो मेरा रक्त पी के अपनी प्यास बुझा लो। और रानी ने वैसा ही किया। आगे चलते चलते किसी नगर में पहुंचे और वहां साधारण नागरिकों की तरह वो रहने लगे। राजा मेहनत मजदूरी करता, शाम को कुछ आटा दाल लाता, रानी रोटी सेकती, दोनों का जीवन ऐसे गुजरने लगा। एक दिन एक गवैया गाने वाला अपाहिज, पैरों से लंगड़ा, उसकी आवाज सुन के रानी ने उसे अपने पास बुलाया, घर बैठाया, पानी वानी पिलाया, बड़ा अच्छा गाता था, उसको अपने यहां रख लिया। दो से तीन हो गए। रानी तन मन से उस गवैये पर मोहित हो गई, आसक्त हो गई। अब उसने सोचा इस राजा से कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए दोनों गए, राजा और रानी। रुद्रवंती नाम की नदी, जगह जगह पत्थर भी पड़े, कहीं बहुत गहरा पानी भी है। स्नान करते हुए पत्थर पर बैठे राजा को अचानक से उस रानी ने धक्का दे दिया पानी में, गहराई में, और वो डूब गया। बहता 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 आगे चला गया। उसी रुद्रवंती नदी के तट पर भगवान कार्तिकेय का आश्रम था, शिवपुत्र कार्तिकेय। उनके गण, उनके साथी, उनके शिष्य उस राजा को बेहोशी की हालत में, मूर्छित अवस्था में निकाल करके आश्रम में लाए। प्रभु ये कोई व्यक्ति बहता हुआ जाता था, जीवित है, मरा नहीं है। उसका उपचार किया, कुछ दिन में राजा ठीक हो गया। उस राज्य के कुछ लोग स्वामी कार्तिकेय की चरण वंदना करने के लिए अक्सर आते रहा करते थे और वहां का राजा मर गया था। संयोग से दो चार दिन बाद उस राज्य का मंत्री आया। कार्तिक स्वामी ने कहा देखो ये कभी राजा थे और अपनी पत्नी पर आसक्त थे, अब इनमें धर्म बुद्धि जागृत हो गई है, ये योग्य शासक हैं, मेरी आज्ञा से तुम अपने राजा का अपने राज्य में इन राजा को तिलक कर दो, राजपाट दे दो, राजा बना दो। शिव पुत्र के कहने से उन्होंने उस राजा को ले जाके अपने यहां राजमहल में ले गए और उसका राज तिलक कर दिया। अब उधर उनकी बात सुनिए, वो जो रानी थी और वो जो गवैया था अपाहिज। रानी उस अपाहिज को गडोलने में, लकड़ी के गडोलने में बैठा के
जगह जगह घुमाती वो गाना गाता, और रानी अपने झूठी एक कहानी सुनाती, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, ये मेरा पति है, देखो ऐसी हालत में भी मैं इसकी सेवा कर रही हूं। लोगों का हृदय करुणा से भर जाता और उसको दान दक्षिणा देते। इस तरह से वो इधर उधर घूम के मांगते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। चलते चलते उस राज्य में भी आ गए, राज दरबार में आ गए, और उस गवैये ने गाना शुरू किया। राजा ने तो पहचान लिया, ये वही गवैया है, ये वही मेरी पत्नी है रानी। गाना समाप्त तो हुआ और उस स्त्री ने, रानी ने अपने सती और पतिव्रता होने की झूठी कहानी सुनाई, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पिता ने इस अपंग से मेरा विवाह कर दिया, फिर भी मैं इसकी सेवा में हूं। राजा को हंसी आई, कहा देवी तुम्हारा एक और पति भी तो था जिसने अपनी जंघा को चीर के तुमको अपना रक्त पिलाया था और तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी, और जिस पति को तुमने नदी में धक्का देके डुबा दिया था। रानी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही है मेरा पति। राजा शत्रुजीत ने कहा, सुनो मैं भगवान कार्तिकेय की कृपा से मुनि बन गया हूं, मैंने मुनिचर्या को धारण किया हुआ है, राजा होते हुए भी मैं उनका सेवक हूं और उनकी आज्ञा से यहां हूं, यदि मैं चाहूं तो तुम दोनों के सर काट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, जाओ आज से मेरे राज्य में प्रवेश मत करना। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। सुन मेरे फूल तुझसे ही कह रहा हूँ, 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 प्यार का दरिया हूँ तेरे दिल में बह रहा हूँ, प्यार का दरिया हूँ तेरे दिल में बह रहा हूँ। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। बेपरदा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे, बेपरदा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे।
जरा जरा सी बात पे सबर न तोड़ अपना, जरा जरा सी बात पे सबर न तोड़ अपना। कोई हो या ना हो वो रब तो है तेरा अपना, कोई हो या ना हो वो रब तो है तेरा अपना। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। राजा शत्रु जीत अक्सर स्वामी कार्तिकेय की चरण वंदना करने जाता रहता। उनके एक शिष्य सत्य धर्म उनसे उस राजा की मित्रता हो गई। कहा सत्य धर्म मेरे अंतर हृदय में तुम्हारा प्रेम जागृत हो गया है, तुम मेरे साथ कुछ दिन व्यतीत करो। सत्य धर्म ने कहा मैं तो सन्यासी हूं, भगवान कार्तिकेय की सेवा में हूं, इनके चरण छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। राजा शत्रुजीत ने कार्तिक स्वामी को मना लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन चले जाओ, इनका मन समल जाएगा, धर्म आचरण करते रहेंगे, ये भी तुम्हारे साथ साथ आराधना आदि करेंगे। स्वामी कार्तिकेय की आज्ञा से उनका शिष्य सत्य धर्म शत्रुजीत के साथ उसके राज्य में चला गया। वहां शत्रुजीत ने उसको अपना खजाना सौंप दिया। जो पिछले मंत्री थे, खजाने के रक्षक थे, वे बड़े बेईमान। शत्रुजीत ने कहा देखो सत्य धर्म, ये चाबी तुम्हारे हाथ में, सोच समझ के देना जिसको देना है। बोले ठीक है। और धीरे धीरे जो लोग थे पुराने, वे उस सत्य धर्म के विरुद्ध हो गए। रात दिन राजा के कान भरते रहते। इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये अहंकारी है, ये किसी को अपने सामने कुछ समझता नहीं, किसी को भी उठा के धन दे देता है, किसी को अपना किसी को पराया समझता है, ठीक नहीं है आदमी। शत्रुजीत ने कहा तुम लोग ईर्ष्या के कारण ऐसा कह रहे हो, बहुत दिन रोज यही बातें सुनते सुनते हो गई। कुछ ने शिकायत की ये सत्य धर्म जिस कक्ष में रहता है कमरे में, वहां इसने धन छुपा के रखना शुरू कर दिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले है, उस कक्ष में ये किसी को जाने नहीं देता, पता नहीं क्या बवाल है, हमारा पूरा विश्वास है ये चोरी कर रहा है। बहुत परेशान हो गया राजा शत्रुजीत। तो एक दिन उन्होंने कहा ठीक है रात में तुम धावा बोल दो और देखो। 25-30 लोगों ने सत्य धर्म पे धावा बोल दिया और उसका दरवाजा खोल दिया और देखा अंदर कुछ है नहीं, एक चादर सी रखी है बस।
कहीं कुछ मिला नहीं। बड़े परेशान, हैरान, शर्मिंदा हुए। राजा के पास आए, वहां तो कुछ मिला नहीं, लेकिन हो सकता है दीवारों के अंदर छुपा दिया हो। बोले देख लो, तोड़ तोड़ के दीवारों में जगह जगह सुराख कर दिए, फर्श में कुआ खोद दिया, गड्ढा, कुछ नहीं मिला। सत्य धर्मा ने कहा, भगवान महाराज, आप देख रहे हैं संसार का कैसा व्यवहार है। आपके प्रेम ने मुझको यहां राजमहल में लाके फांस दिया। अब मुझे अनुमति दो, जाने की आज्ञा दो। मैं वहीं अपने आश्रम जाना चाहता हूं। मेरे पास ये चादर भगवान कार्तिकेय की दी हुई है, इसको ओढ़कर मैं परमात्मा का मंत्र जपता हूं, बस। राजा ने कहा, तू मुझे छोड़ के मत जा, तू गया तो मेरे प्राण भी गए। सत्य धर्मा ने कहा, अगर मैं संसार में रहूंगा तो मेरी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए, कुछ दिन रुको, तुम और मैं दोनों भगवान कार्तिकेय के चरणों में चलेंगे, थोड़ा यहां का कुछ इंतजाम कर दो। मन से तो मैं भी सन्यासी ही हूं, मैं राजा थोड़े ही हूं। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। जरा जरा सी बात पे सबर न तोड़ अपना, जरा जरा सी बात पे सबर न तोड़ अपना। कोई हो या ना हो, वो रब तो है तेरा अपना। कोई हो या ना हो, वो रब तो है तेरा अपना। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मोह कर ले और बात सब खत्म कर दे। यार की गली में जिसम अपना छोड़ दे, यार की गली में जिसम अपना छोड़ दे। यार की गली में जिसम अपना छोड़ दे, यार की गली में जिसम अपना छोड़ दे। मट्टी का ये प्याला उसके सामने फोड़ दे, मट्टी का ये प्याला उसके सामने दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मोह कर ले और बात सब खत्म कर दे। एक फकीर इत्र बेचने वाले की दुकान पे खड़ा हुआ था। तरह तरह के इत्र, तरह तरह का तेल शीशियों में भरा हुआ था। वो इत्र वाला कभी उस शीशी को उठा के उधर रखता, उसको उधर रखता, इसको इधर ऐसे कर रहा था। उस ऋषि ने कहा, तेरे प्राण तो इन शीशियों में अटके हैं, तेरी जान तो बड़ी मुश्किल से निकलेगी, पता नहीं कैसे तेरा अंत होगा। तू कभी परमात्मा का नाम नहीं जपता, बस इसी में लगा रहता है। उस दुकानदार ने कहा, चलो हम तो दुनियादार हैं, तुम बताओ अपने। बोले हमारा क्या है, हम तो परमात्मा के दोस्त हैं, ऐसे ही चादर ओढ़ी और शरीर छोड़ देंगे। वो लिट गया नीचे, चादर ओढ़ी और शरीर छोड़ दिया, उसी वक्त खत्म। उस दुकानदार के जो विरोध करने वाले थे, आमने सामने अगल बगल में सब आ गए। तूने इस साधु को मार डाला, मार दिया, अब हम पुलिस को बुला के लाते हैं, सैनिकों को लाते हैं।
अब तुझे पता चलेगा। अब वो तभी उठ के बैठा होगा, भैया चलो हम कहीं और जाके मर जाएंगे, तुम हमें चैन से मरने भी नहीं दोगे, हम जा रहे हैं। यार की गली में जिस्म अपना छोड़ दे, यार की गली में जिस्म अपना छोड़ दे, मिट्टी का ये प्याला उसके सामने फोड़ दे, मिट्टी का ये प्याला उसके सामने फोड़ दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, शम्मा को बुझा दे सूरज चमकता है, 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 परमात्मा रूपी सूर्य चमक रहा है, तू अपने अहंकार का दीवा जलाए, इसको उठाए, दुनिया में इधर उधर भटकता फिरता है, बुझा इस अभिमान को, छोड़ दे, बुझा दे, शम्मा को बुझा दे सूरज चमकता है, शम्मा को बुझा दे सूरज चमकता है, ऐ परिंदे उड़ जा प्रभु का घर चमकता है, ऐ परिंदे उड़ जा प्रभु का घर चमकता है, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मोह कर ले और बात सब खत्म कर दे, बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे, बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे, संसार का प्रेम और संसार को रचने वाले का प्रेम, दो तरह के प्रेम हैं, जगत का प्रेम हमें जगत में नष्ट करता है, जन्म मरण की घाटियों में उतार देता है, और परमात्मा का प्रेम हमारे अस्तित्व को खत्म करता है, जिस कारण से जिन वासनाओं के कारण हमारा जन्म मरण होता है उन वासनाओं को फूंक के दग्ध करके शुद्ध कर देता है, फिर ये ज्योति ये जीव उस विराट पुरुष में प्रवेश कर जाता है। इस सूत्र में यही बात महादेव शिव कह रहे हैं, प्रेम परिंदा अपने पंख खुद फाड़ता है, प्रेम परिंदा अपने पंख खुद फाड़ता है, संसार का प्रेम यहां पंख टूट के गिर जाएंगे, जिनसे प्रेम करेंगे वे ही हमारे पंखों को फाड़ डालेंगे, तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, जैसे भगवान बुद्ध मरने के बाद सोने का हंस बने, उड़ के अपने परिवार में आए, लालच में उनकी पुत्रियों ने और पत्नी ने पकड़ के पंख उखाड़ दिए, सोने के पंख हैं, काम आएंगे। संसार का प्रेम तो ये करता है, और ईश्वर का प्रेम, गुरु चरणों में हंस गया चरणों में पंख चढ़ाए,
आवागमन खत्म हुआ, अब ना कहीं आए ना जाए। पंख दोनों जगह टूटते हैं, संसार में भी। संसार में पंखों का टूटना है व्याकुलता और अशांति। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में इन पंखों का है अर्पण, उड़ना इधर उधर जाना खत्म, मोक्ष। जीवात्मा का, जीव पखेरों का मोक्ष हो गया। प्रेम परिंदा अपने पंख खुद फाड़ता है, प्रेम परिंदा अपने पंख खुद फाड़ता है, आसमान आंधी इस पे उतारता है, आसमान आंधी इस पे उतारता है, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मोह कर ले और बात सब खत्म कर दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे, बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। एक व्यक्ति दीवार में कील ठोक रहा था, कील। दीवार बोली, ऐ कील तू क्यों मेरा सीना फाड़ रही है, क्यों मुझे कष्ट पहुंचा रही है। कील ने कहा, मैं नहीं, तो ये देख ये हाथ किसका है। हमें जो दुख सुख मिलते हैं, हम सोचते हैं इस व्यक्ति के कारण, इसके कारण, इसके कारण मैं दुखी हूं। नहीं, ये देख किसके पीछे हाथ किसका है, हमारे कर्मों का हाथ है। अपने कर्मों के कारण ही हमको दुख, दरिद्रता, अशांति, व्याकुलता, जन्म मरण की प्राप्ति होती है। और यही कर्म जब हमारे पवित्र हो जाते हैं, आसक्ति से रहित हमारी आत्मा हो जाती है, तो उस परमात्मा में अनुरक्त, आसक्त नहीं, अनुरक्त उसके प्रेम में रंग जाती है। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, धूल तिना की जे मिले जीव को नानक की अरदास। हे प्रभु, जिनके कपड़े आत्मा के कपड़े तुम्हारे प्रेम में रंगे हैं वे बड़भागी हैं। ऐसे देव पुरुषों, ऐसे सत्पुरुषों की चरण धूल मुझे प्राप्त हो। कील से दीवार बोली, क्यों मेरा सीना फाड़े, कील से दीवार बोली, क्यों मेरा सीना फाड़े। कील बोली, देख किसका हाथ तुझको गाढ़े, कील बोली, देख किसका हाथ तुझको गाढ़े। बिना कहे हर हाल तेरा प्रभु जानता है, 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 बिना कहे हर हाल तेरा प्रभु जानता है। लाखों के बीच में तुझको पहचानता है, लाखों के बीच में
में तुझको पहचानता है। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। सख्त कोशिश करने वाला मंजिल को पाता। 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 ढुल मुल आदमी बीच में रह जाता। ढुल मुल आदमी बीच में रह जाता। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे। वासना ने स्वर्ग को तुझसे ढक दिया है। वासना ने स्वर्ग को तुझसे ढक दिया है। हमारे दिल दिमाग पर तृष्णा वासना आच्छादित है, हमारी बुद्धि को ढके हुए हैं। उससे स्वर्ग परमात्मा का प्रकाशित धाम ढक गया है। वासनाओं के ये बादल हटें, इच्छाओं के कामनाओं के संसारी बातें कम हों, तो उस प्रभु परमेश्वर का प्रकाश दिखाई पड़े। वासना ने स्वर्ग को तुझसे ढक दिया है। वासना ने स्वर्ग को तुझसे ढक दिया है। तेरी आँख से प्रभु का घर ढक दिया है। तेरी आँख से प्रभु का घर ढक दिया है। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। मेरे हमनशी दुनिया से दिल न लगाना। मेरे हमनशी दुनिया से दिल न लगाना। दिल न लगाना, दिल न लगाना, दिल न लगाना, दिल न लगाना। मेरे हमनशी दुनिया से दिल न लगाना। मेरे हमनशी दुनिया से दिल न लगाना। दिल टूटेगा तो पड़ेगा पछताना। दिल टूटेगा तो पड़ेगा पछताना। इसलिए अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे। फुलसंदे में आया कोई दीवाना बन के। फुलसंदे में आया कोई दीवाना बन के। दीवाना बन के तेरा दीवाना बन के। दीवाना बन के तेरा दीवाना बन के। दीवाना 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 दीवाना।
फुल संदे में आया कोई दीवाना बन के, फुल संदे में आया कोई दीवाना बन के, जल गया शम्मा पे कोई परवाना बन के, जल गया शम्मा पे कोई परवाना बन के, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मोह कर ले और बात सब खत्म कर दे, बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे, बेपर्दा है सामने वो तेरे के कदमों पे सर रख दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की तरफ मुंह कर ले और बात सब खत्म कर दे, अपने रब की रब की तरफ मुंह कर ले काल पुरुष, काल पुरुष इन जीव आत्माओं से ऐसा व्यवहार करता है मानो भूस के कुत्ते उसने बना रखे हों, भूस कूड़ा कबाड़ भूस, और उन कुत्तों की आहुति वो काल अग्नि में देता चला जाता है। उसकी दृष्टि में ये जीव कुछ नहीं, हम लोगों का जीवन कुछ नहीं। 150 साल का ये जीवन काल पुरुष की दृष्टि में कुछ नहीं, जिसके सामने से युग के युग, युग के युग, कल्प गुजरते चले जाते हैं। हम लोगों का जीवन चींटी कीड़े मकोड़ों से भी कम जैसा। इस सूत्र में शिव कह रहे हैं, वे धन्य हैं जो एक टक उस परम आत्मा में निमग्न है, वे उस विराट पुरुष की चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। नदी समुद्र में प्रवेश कर गई, समुद्र हो गई, आत्मा का मोक्ष हो गया। थोड़ा सा सामवेद भी आप सुने। सामवेद भाग 85। शिवरात्रि की सेवा भी आने वाली है, कांवड़ सेवा चलेगी, आप लोग आना, जो देवता हैं हमारे वे आए, आके सेवा कराएं कांवड़तियों की। 13 तारीख तक चलेगी, 13 में शिवरात्रि है। आप ये मत समझना आगे वाले समझें कि वो तो पीछे वालों को कह रहे हैं, पीछे वाले समझें वो तो आगे वालों को कह रहे हैं, बीच वाले समझें हमारा क्या वास्ता, आगे वालों को कह रहे होंगे या पीछे वाले। कुछ सेवा कर लो, हाथ पैर चला लो, इस जन्म में कुछ करोगे तो आगे कुछ मिलेगा, नहीं तो आप देख लो, ये अवसर मिल रहा है हम लोगों को। गंगा जी का पानी गंगा जी में ही उठा के डालते हैं, गंगा माता तेरी जय, बस पुण्य मिल गया इतना। लेकिन इतना करने के लिए भी बुद्धि पवित्र चाहिए, तभी तो कोई करेगा, नहीं तो खलकत है, आ रही है जा रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आत्माएं आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, किसी का बंधन कटता नहीं। क्यों? क्योंकि बंधन काटने के उपाय करते नहीं। ऐसे ही समझते हैं, अरे गुरु महाराज तो कहते ही रहते हैं, इनका तो काम ही कहने का है,
नहीं, गुरु महाराज का काम कहने का तो आपका सुनने का और सुन के धारण करने का और उस पे आचरण करने का अमल में लाना है। सामवेद ऋचा संख्या 1519, ऋषि शतम वैश खानसह, ऐसा ऋषि जो सैकड़ों बुराइयों को अपने भीतर से खत्म कर देता है। अपने भीतर की बुराई खत्म करेंगे तभी बाहर की बुराई हम खत्म कर सकते हैं। खुद गुड़ खा रहे हैं, दूसरों को कहें गुड़ मत खाओ, कौन मान लेगा? कोई नहीं माने। देवता अग्नि परमात्मा के तेजोमय रूप का वर्णन इन ऋचाओं में है। छंद गायत्री तीन पंक्तियों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं वे सब गायत्री हैं। स्वर सड़ज सा, प्रथम स्वर सा, इस सड़ज को हमारे ऋषि ओंकार स्वर में स्थित करते हैं। ओम अग्नि ऋषि ही पवमान पांजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम्। हे ज्योतिरूप परमेश्वर, मैं तेरा ध्यान जब भी करता हूं तू अमृत कण बरसाता हुआ मेरे हृदय में आके बस जाता है। हे ज्योति रूप परमेश्वर, हे ज्योति रूप परमेश्वर, मैं तेरा ध्यान जब करता, हे ज्योति रूप परमेश्वर, मैं तेरा ध्यान जब करता, तू अमृत कण बरसाता हुआ, तू अमृत कण बरसाता हुआ मेरे हृदय में आ बसता, तू अमृत कण बरसाता हुआ मेरे हृदय में आ बसता। और इनमें एक बहुत विशिष्ट विशेष ऋचा है, उसको आप सुने। यजानो मित्रा वरुणा यजा देवां ऋतं बृहत् अग्ने यक्षी स्वं ददम्, अग्ने यक्षी स्वं ददम्। ऋषि क्या कह रहे हैं? जैसे पशु गौशाला में रहते हैं इसी तरह से हे परमात्मा तेरे देवगण मेरे शरीर रूपी गौशाला में रहते हैं। शरीर तेरे सारे पशु, नर पशु नार पशु जगत पशु, जो परमात्मा से विलग हैं अलग ध्यान में, उसका ध्यान नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, अपने को अलग समझ रहे हैं। समुद्र में लहरें हैं, लहर कह रही है मैं तो लहर हूं ये समुद्र है, दो हो गए, नहीं एक। मेरी देह में देवता इस तरह से रहते हैं, मेरी देह में देवता इस तरह से रहते हैं, गौशाला में जिस तरह
अनेक पशु रहते हैं। गौशाला में जिस तरह अनेक पशु रहते हैं, ज्योति रूप परमेश्वर, ज्योति रूप परमेश्वर, मैं तेरा ध्यान जब करता, ज्योति रूप परमेश्वर, मैं तेरा ध्यान जब करता, तू अमृत कण बरसाता हुआ, तू अमृत कण बरसाता हुआ, मेरे हृदय में आ बसता, तू अमृत कण बरसाता हुआ, मेरे हृदय में आ बसता, ज्योति रूप परमेश्वर, ज्योति रूप परमेश्वर, ज्योति ज्योति रूप परमेश्वर, ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।